हेलो फ्रेंड्स, WBUTT EPN महासिटी बीएड सेकंड सेमिस्टर कोर्स 1-7A प्रत्येक मेथड सब्जेक्ट दुटो जे दुटो प्रैक्टिकम करते हैं तार मध्य लर्निंग डिजाइन एक आज के इंग्लिश लर्निंग डिजाइन प्रैक्टिकम देखाबो 1-7A कोर्से। तो सरासरि प्रैक्टिकम दिके चले जाए तो तुम्हारे प्रथम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो देखो ये हे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकम इंट्रोडक्शन एटा लर्निंग डिजाइन प्रैक्टिकम इंट्रोडक्शन। एरपर देखो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेमिंग एर लर्निंग डिजाइन की प्रिंसिपल से गुलो एक देखे नाओ। प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द लर्निंग डिजाइन। एरपर हे बेनिफिट ऑफ द लर्निंग डिजाइन बेनिफिट ऑफ द लर्निंग डिजाइन। एरपर हो लर्निंग डिजाइनर एक नमूना देखाते हैं। तो देखो नेम ऑफ द स्कूल जगह तुम्हारा जे स्कूले प्रैक्टिस टीचिंग जाबे बा इंटर्नशिपे जाबे से स्कूल नाम होबे क्लास ड्यूरेशन डेट एवं टाइम। नेम ऑफ द टीचर जगह तुम्हारा निजे नाम होबे सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन यूनिट हो माय ओन ट्रू फैमिली। सब यूनिट भागे देखो एगुलो सब यूनिट भागे भाग करा हुए चे। एवं टुडे लेसन होच्छे देखो टुडे लेसन होच्छे माय ओन ट्रू फैमिली। एरपर होच्छे लर्निंग गोल बा ऑब्जेक्टिव लर्निंग गोल बा ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रथमे होच्छे रिमेम्बर देखो रिमेम्बरिंग करते हबे। तो प्रथमे होच्छे रिमेम्बरिंग रिमेम्बरिंग मध्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार लिखते हैं। एरपर हो अंडरस्टैंडिंग एगुलो हो अंडरस्टैंडिंग। एरपर हो अप्लाइंग एरपर हो एनालाइजिंग इवालुएटिंग देखो इवालुएटिंग एवं क्रिएटिंग छटा शिक्षण उद्देश्य तुम्हें लिखते हैं बर्तमान टॉपिकर ऊपर। एरपर से एनालाइज द लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट एखे प्रिवियस नॉलेज रिलेटेड किछु क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट टॉपिकर ऊपर प्रिवियस नॉलेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये डेवलप एंड सिलेक्ट द लर्नर मेटेरियल TLM टेक्सट बुक डिक्शनारी चार्ट ये विषयगुलो तुम्हें करते हैं। एरपर से लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो देखो प्रथम से लर्निंग एरिया एंड रिलेटेड स्ट्रैटेजी तुम्हें ये भावे करते हैं। এইভাবে তোমাকে এই বক্সগুলো এইভাবে রিলেটেড স্ট্র্যাটেজি করতে হবে প্রত্যেকটা বিষয় লিখতে হবে এবং সেই সম্পর্কে তোমাকে লিখতে হবে। এরপর হচ্ছে ডিজাইন ফর ইভালুয়েশন। ইভালুয়েশনের জন্য তোমাকে কিছু কোশ্চেন করতে হবে ডিজাইন ফর ইভালুয়েশন। এগুলো হচ্ছে ডিজাইন ফর ইভালুয়েশনের জন্য কিছু কোশ্চেন। এরপর হচ্ছে ডায়াগনোসিস রিমিডিয়াল টিচিং আর ডায়াগনোসিস এই বিষয়টা তোমাকে লাস্ট স্টেজ এবং শেষে হচ্ছে তোমাকে কনক্লুশন পুরো প্র্যাকটিকামের একটা কনক্লুশন ড্র করতে হবে। দেখো এই এটা হচ্ছে কনক্লুশন। তো এখানেই শেষ হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ।